हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 3 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, मतलब कल से देश में 19 दिन और लॉकडाउन रहेगा। पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सुनाते हुए लोगों की परेशानियों का भी जिक्र किया, आर्थिक तौर पर लॉकडाउन का फैसला महंगा साबित होने की बात भी कही। लेकिन जब पीएम देश को कोरोना से आगे की लड़ाई का रास्ता दिखा रहे थे, तब देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,000 के पार थी। इसीलिए कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन जरूरी, ये बताने के साथ ही पीएम ने कोरोना को मात देने से लेकर लॉकडाउन के ताले की चाबी तक सब जनता के हाथ में होने का संदेश भी दिया। इसी पर करेंगे चर्चा। कोरोना हराओ, लॉकडाउन में छूट पाओ। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। कोरोना से जंग में जीत के लिए अभी लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी। सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। गरीबों की तकलीफ का एहसास, राहत की आस। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है, जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी। वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। पीएम के लॉकडाउन के फैसले पर विपक्ष साथ, लेकिन सवाल है बरकरार। हम ये समझ सकते हैं कि इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना अनिवार्य है और हम उसका समर्थन भी करते हैं। प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि ये लॉकडाउन पहले होना चाहिए था, उसमें देर हो गई। वो शायद जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनका जवाब उनको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं। विपक्ष के हमलों का भी पीएम आज दे गए जवाब। समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। अब लॉकडाउन के ताले की चाबी जनता के पास। कोरोना हराओ, लॉकडाउन में छूट पाओ। और क्यों हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन के ताले की चाबी जनता के पास, जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं भारत का नक्शा, जहां 15 राज्यों के ये 25 जिले जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, 14 दिन से कोई कोरोना का केस इन जिलों में सामने नहीं आया है। इसी वजह से इन 15 राज्यों के 25 जिलों ने रास्ता दिखा दिया है कैसे जनता के हाथ में लॉकडाउन का ताला खोलने की चाबी है। चर्चा करते हैं, सीधे रुख करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर राजेश चावला, डॉक्टर रोमेल टिक्कू और डॉक्टर डीके गुप्ता। डॉक्टर डीके गुप्ता, जनता के हाथ में लॉकडाउन खोलने की चाबी? जी बिल्कुल सही कहा, जनता के हाथ में लॉकडाउन खोलने की चाबी है, क्योंकि हमें पता है कि जनता की जो जिंदगी है की कीमत है वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, वो ठीक करवाकर दोबारा आपके पास आते हैं, कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। यही सवाल डॉक्टर टिक्कू आपसे। देखिए जनता के हाथ में ही चाबी है, जितना वो हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की उतना ही हम इस तेजी से इस बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं और जो ट्रांसमिशन रेट है उसको कम कर सकते हैं। हमें फॉलो करनी चाहिए जितनी भी गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, जो भी प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं हमें उसका पालन कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, देखिए सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा काम तो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, बट वहीं पर काम खत्म नहीं होता,
हमारा एज सिटीजन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन दें। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने आज कहा ना कि भाई तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन इस समय आप देखिए दुनिया भर की जो महाशक्तियां हैं उसके मुकाबले में भारत की जो स्थिति है वो संभली हुई है, और संभली भी क्यों है, क्योंकि भारत में सही समय पर सही फैसले ले लिए गए। डॉक्टर चावला, बिल्कुल सही बात है, ये इसी का नतीजा है कि हमारे 25 जिलों में बिल्कुल कोई भी केस नहीं है। अब ये 25 जिले हमारा टेस्ट केस है, क्योंकि अगर यहाँ ढील दी जाएगी जैसा कि कहा जा रहा है, अब गाइडलाइंस की इंतजार है, तो अगर यहाँ केसेस की मात्रा बिल्कुल कम रहती है या बिल्कुल नहीं होती है तो ये ढील बढ़ती जाएगी और गवर्नमेंट को और जिले खोलने में बहुत आसानी होगी। तो जनता का यहाँ बहुत बड़ा योगदान चाहिए। अगर वो नहीं पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, केसेस होने शुरू हो जाएंगे और फिर ये दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल सर, देखिए अब हमें आगे का रास्ता तय करना है, लड़ाई लंबी है और ऐसे में सीख की भी जरूरत है, सबक की भी जरूरत है, और इसी वजह से हम आपके लिए कंपैरिजन लेकर आए हैं। मैं जल्दी से दर्शकों को दिखाती हूँ दो राज्य, एक राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है केरल। आप इन दोनों राज्यों की जरा तुलना देखिए, और तुलना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से महाराष्ट्र और केरल, 1 मार्च को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक भी कोरोना का मामला नहीं था, केरल में 3 मरीज आ चुके थे कोरोना के। अच्छा, इसके बाद तारीख आगे बढ़ाते 22 मार्च देखिए आप, 22 मार्च को महाराष्ट्र और केरल करीब करीब बराबर का मामला था, महाराष्ट्र में 122 मरीज थे और केरल में 120 मरीज थे। फिर 7 अप्रैल पहुंचते महाराष्ट्र में जो मरीजों की संख्या है वो पहुंच गई 748 पर और केरल में ये 314 रही। अब देखिए 7 अप्रैल से 14 अप्रैल महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस पूरे देश में 2334 हैं और केरला में मामला संभला हुआ है 379 कोरोना के मरीजों की संख्या। इसकी बड़ी वजह क्या सामने निकल कर आ रही है, इसका एक एनालिसिस भी हमने आपके लिए किया है, और वो बड़ी वजह जो सामने निकल कर आ रही है वो वही जो WHO ने कहा था ना, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। टेस्ट किस तरीके से हुए महाराष्ट्र और केरल में, मुझे लगता है जरा ग्राफिक्स के जरिए हमें यह भी दर्शकों को दिखाना चाहिए, जहां महाराष्ट्र में टेस्ट जो है वो उस तेजी से नहीं किए गए जिस तेजी से केरला में किए गए, और इसी ने नतीजे दिए। डॉक्टर टिक्कू, उससे तो फायदा हो गए, पर मैं समझता हूँ सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। बॉम्बे की, मुंबई की और केरला में बहुत फर्क है, डेंसिटी देखो आप, स्लम्स देखिए, बट हाँ टेस्टिंग तो हेल्प करता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं कि जिस तेजी से मुंबई में बढ़ रहा है, बट टेस्टिंग है इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम साउथ कोरिया से अगर कंपेयर करें अपनी कंट्री को, तो हम नहीं कर सकते उतने सारे टेस्ट, टेस्ट की एक अपनी लिमिटेशन है। मैं नहीं मानता हूं कि सिर्फ टेस्ट करने से ही हम इस पे काबू कर सकते हैं। जितना हम आइसोलेशन करेंगे, क्वारंटीन करेंगे, ट्रेस करेंगे कॉन्टैक्ट्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और लॉकडाउन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। डॉक्टर टिक्कू, मैं आपसे समझना चाहती हूं और यही बात मैं डॉक्टर चावला से भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 10 लाख की आबादी पर 298 टेस्ट हुए और केरला के अंदर 10 लाख लोगों पर 401 टेस्ट हुए, तो फिर फर्क कहां रहा? आइए पहले आप डॉक्टर टिक्कू। देखिए टेस्ट तो है ही इम्पोर्टेंट, वो सबको पता है, बट टेस्ट की अगर आप देखो भी, अब 2 लाख टेस्ट तो हमने भी करे, हम पॉजिटिव कितने हैं उसमें से जी, अब सब टेस्ट के बेसिस पे तो नहीं होगा ना, 8,000 टेस्ट पॉजिटिव हैं 2 लाख में से। अब आप केरला लो या महाराष्ट्र लो, वहां भी अगर आप इंक्रीज करो टेस्ट, तो मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसने अच्छा काम किया है किसने अच्छा काम नहीं किया। अगर आप देखें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है महाराष्ट्र में, तो बहुत अच्छा काम किया है। जो कंटेनमेंट जोन उन्होंने टाइम पे स्टार्ट किए थे, या रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन किए हैं, तेजी से वॉकआउट हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल सील हो गए, उन पे काम किया गया, आइसोलेशन फैसिलिटीज, रैंपिंग अप ऑफ टेस्ट सेंटर्स, गवर्नमेंट प्राइवेट सब एक साथ मिलजुट के काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे हम ये डिसाइड, हाँ टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, बट अब हमारे पास कितने टेस्ट किट्स हैं, हम कितने हम दे सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। अभी तो हमारे पास ज्यादा थे भी नहीं, अब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगी, अब टेस्ट आएंगे, अब जाके क्लस्टर्स में ब्लड टेस्ट होने वाले हैं। तो टेस्ट की अपनी लिमिटेशन है हमारे देश में, जहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, गरीबी है। हाँ टेस्ट है इंपॉर्टेंट, बट वो एक रीजन नहीं है। अगेन मैं कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में, मुंबई में आप देखिए कैसे क्लस्टर्स हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग आप क्या करेंगे वहां पर स्लम्स में, एक ही बाथरूम 100 लोग यूज कर रहे हैं, कमरे में 20 लोग हैं, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है, टेस्ट के लिहाज से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ और भी ग्राफिक्स तैयार
तैयार की है, और उसमें डॉक्टर चावला ये भी निकल कर आया कि जिस तरीके की स्क्रूटिनी, जिस तरीके से बड़े बड़े लेवल पर लोगों तक पहुंचे वहां पर स्वास्थ्यकर्मी, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही सेम मॉडल जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा में भी निकल कर आया था कि करीब 24 लाख के आसपास की आबादी और 22 लाख लोगों तक वहां स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे, 14,000 के आसपास लोगों को निगरानी में रखा गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्या फिर डॉक्टर चावला? ये भी जरूरी है। एक और बात समझनी पड़ेगी कि केरला में लिटरेसी लेवल, लोगों को ये चीज़ समझने की शक्ति कहीं ज़्यादा है। ये वेल नोन है, लिटरेसी लेवल हमारे देश में केरला में सबसे ज़्यादा है। और ये आई थिंक ये भी एक इसमें है कि इसमें जनता ने काफ़ी सहयोग दिया है, जिससे कि केसेस की जो मात्रा है वो केरला में कम हो रही है। जैसे डॉक्टर टिक्कू ने कहा 410 और 260 समथिंग, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है अगर 10 लाख में देखें तो, बट ये जनता ने वहाँ बहुत बड़ा योगदान दिया है।